कोटद्वार का कण्व आश्रम प्रदेश का एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जहां राजा भरत का जन्म हुआ था। इन्हीं के बीच प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोटद्वार के कण्व आश्रम पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 25 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है प्रदेश सरकार की ये सभी योजना क्षेत्र के लिए मील का पत्थर हैं। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत पौड़ी और टिहरी में पर्यटन विकास करना है तथा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना है। अब देखने वाली बात ये है प्रदेश सरकार की ये सभी योजनाएं प्रदेश के लिए क्या रंग लेकर आती हैं। समाचार इंडिया के लिए कोटद्वार से रंजना गोसाई की रिपोर्ट। पर्यावरण एवं अपशिष्ट निवारण सेवा योजन परिचित। यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म हुआ, जो शेरों के साथ खेलते थे, हिल्स टू प्ले विद द लायन कब्स, और ये बहुत बड़ा एक अपने आप में राष्ट्र तीर्थ के रूप में डेवलप होने जा रहा है। यहाँ पर इसका अभी शुरुआत होगी, शिलान्यास होगा, हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है और पूरी एक बृहत योजना बनाई है कि यहाँ पर वैदिक विलेज बने। आप ऋषियों के अंदर जो ऋषि पद्धति थी उसके अंदर आप यहाँ शयन कर सकें, रह सकें, ऋषियों का भोजन खा सकें। वो पूरी एक आपको अभी हम प्रेजेंटेशन देंगे, आप उस चीज़ को देखेंगे जो हम यहाँ करने जा रहे हैं।